आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम ट्रेडिशनल स्वीट डिश बनाएंगे केसरी भात, जो खाने में बहुत ही यम्मी है और बनाने में उतनी ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। केसरी भात बनाने के लिए हम एक पैन में हाफ कप सूजी ले लेंगे। इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। चलिए अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। हाफ टेबल स्पून घी हम एक पैन में ले लेंगे। इसमें हम 10 से 12 काजू ऐड करेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। चलिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसी पैन में हम 1.5 कप पानी ले लेंगे। इसमें 1/2 कप शुगर ऐड करेंगे। इस शुगर को हम लो फ्लेम पे ही डिसॉल्व करेंगे। इसमें 10 से 12 रेजिन्स ऐड करेंगे। 10 मिनट के लिए केसर को मैंने थोड़े से पानी में भिगो कर रखा था, इसे यहाँ पर हम ऐड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर केसर कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे एक बॉईल आने देंगे। चलिए पानी को बॉईल आ चुका है, इसमें हम ये रोस्टेड सूजी ऐड करेंगे और इसे कंटिन्यूस स्टर करेंगे। ध्यान रहे इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। इसमें हम 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसमें 1/4 टीस्पून इलायची की पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब इसे कवर करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने देंगे। चलिए खोल के देख लेते हैं। अब इसमें हम ये रोस्टेड कैशू नट ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। केसरी भात सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। यम्मी केसरी भात, एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।